इधर छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू टूरिज्म ई कॉन्क्लेव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के बाद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को एक साथ आकर काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सीमावर्ती राज्यों के पर्यटन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर एक विशेष पैकेज लाने का भी सुझाव दिया। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो काम हो रहा है, कोविड-19 के बाद की स्थितियां क्या बनेंगी, इस पर फिक्की द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे केंद्र के अधिकारियों के साथ कई राज्य के पर्यटन मंत्रियों ने भाग लिया। सबकी चिंता ये थी कि कोविड-19 के कारण अभी जो लॉकडाउन की स्थितियां हैं, चारों तरफ संक्रमण की स्थितियां हैं, यात्रा बंद है, क्वारंटाइन होना पड़ता है, तो उस स्थिति में कोविड-19 के बाद पर्यटन को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा और किस प्रकार से यात्रियों को सुविधाएं दी जाएंगी, इस पर सभी प्रदेश के लोगों ने अपने यहाँ की स्थितियों के अनुसार चर्चा की। यात्रियों के साथ MOU करने का भी चल रहा है कि समीपवर्ती राज्यों के पर्यटन स्थल और हमारे पर्यटन स्थल, यात्री जब जाते हैं तो एक पैकेज ऐसा बने कि दोनों प्रदेश के या आसपास के प्रदेशों का भी यात्रीगण दर्शन कर सकें, लाभ ले सकें, जा सकें। तो इस प्रकार से काफ़ी चर्चाएं हुई और मैंने सुझाव अपने यहाँ का जो आवश्यकता है उसके अनुसार दिया है।